मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और एक बार क्योंकि हम लोग को और एक बार ऐसा मौका दिए है कि हम लोग और एक बार एक साथ जुड़ सके और मैं आज का जो सेशन है उस सेशन में जो बात हम लोग बीते तीन दिन से बात कर रहे थे उसी को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ बिल्डिंग हेल्दी लीडर्स के ऊपर और जो लास्ट थ्री डेज में हम लोग जो देखे है और जो मैं आप आपके सामने प्रेजेंट किया हूँ वो था कनेक्शंस मॉडल और ये मॉडल क्या है ये मॉडल है कि कैसे एक अच्छा एक स्वस्थ अगवा बन सकता है हाउ टू बी अ हेल्दी लीडर कैसे एक हेल्दी लीडर बन सकता है और हम लोग कल देख रहे थे गोल के बारे में उद्देश्य के बारे में कि एक हेल्दी लीडर का एक स्वस्थ अगवा का गोल या लक्ष्य क्या होना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे और आज हम लोग जो विषय में देखेंगे वो है प्रोसेस तो जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को अगर हम लोग अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है अगर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं अगर हम लोग के जीवन में कोई लक्ष्य है अगर हम लोग उसको पूरा करना चाहते जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि जो स्कूल स्टूडेंट्स है कॉलेज स्टूडेंट्स है जो पढ़ाई करता है उसका भी उन लोगों के सामने भी एक एक लक्ष्य रहता है कि उसको उन लोगों को पढ़ाई करना है और अच्छा मार्क्स लेके आना है एग्जाम में पास करना है तो उन लोगों के सामने भी एक लक्ष्य रहता है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन लोगों के पास एक प्रोसेस है क्या प्रोसेस है पढ़ाई करना है नोट्स लेना है टीचर के पास जाना है खुद को प्रैक्टिस करना है तो ऐसे जब वो लोग प्रैक्टिस करता है उस प्रोसेस के थ्रू जाता है तो वो अपने लक्ष्य में पहुंचता है अगर वो ये सब नहीं करेगा अगर वो चाहता है कि मैं अच्छा मार्क्स से पास करूं लेकिन अगर वो उस प्रोसेस से नहीं जाएगा अगर वो हार्डवर्क नहीं करेगा अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो कभी भी वो अपने गोल में या अपने लक्ष्य में नहीं पहुँच सकता है तो वैसे ही हम लोग देखते हैं कि हर काम में क्या होता है कि एक प्रोसेस रहता है अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग का एक लक्ष्य रहता है कि कहाँ पे हम लोग जाएंगे और उसका भी एक प्रोसेस रहता है कि कैसे हम लोग जा रहे हैं हम लोग हो सकते हैं कि बस में हम लोग जा रहे हैं ट्रेन में जा रहे हैं ये या फ्लाइट में जा रहे हैं तो उसका एक प्रोसेस रहता है जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग जाके अपने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में पहुंच सकते हैं और वैसे ही जब हम लोग हेल्दी लीडर्स के बारे में बात कर रहे हैं और जैसे हम लोग कल देख रहे थे कि एक अगवा का एक स्वस्थ अगवा का क्या लक्ष्य है और उसमें हम लोग फाइव सी गोल देखे कि एक अगवे के जीवन में पांच ऐसे विषय है जिस विषय में उनको आगे बढ़ना है इंप्रूव करना है डेवलप करना है और उस पांच विषय में बढ़ना है तो वो फाइव सी गोल हम लोग कल देख रहे थे उसके बारे में और आज हम लोग जिस विषय में बात करेंगे वो है उस फाइव सी गोल को कैसे अचीव करना है कैसे हम लोग उस फाइव सी गोल को अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं विच इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ हेल्दी लीडर जो एक हेल्दी लीडर बनने का प्रक्रिया जो है उसके बारे में बात करेंगे तो उसके पहले मैं एक वचन से आप लोगों के सामने में प्रेजेंट करना चाहता हूं तो ये वचन है मरकुस के किताब मार्क चैप्टर थ्री वर्स फोर्टीन एंड फिफ्टीन मरकु की किताब तीन अध्याय चौदह और पंद्रह पद और उसमें हम लोग देखते है कि कैसे यशु मसीह ने अपने बारह चेलो को तैयार किए थे हाउ डिड जीसस बिल्ड ट्वेल्व ऑफ हिस्सा तो आइए हम लोग देखते हैं इस वचन में इस वचन को मैं पढ़ दूंगा हम लोग के सामने आ, स्क्रीन में है उस स्क्रीन में भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं मैं इसके इसको मैं इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं हिंदी में भी इसको पढ़ देता हूं आ, हिंदी में जो लिखा है मरकुश की किताब आ, तीन अध्याय चौदह और पंद्रह पद उसमें लिखा है तब उसने बारह पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वे उन्हें भेजे की वो प्रचार करे और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखे ये जो वचन हम लोग देख सकते हैं मरकु के किताब में और ये छोटा सा वचन है लेकिन इस वचन में हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मसीह कैसे अपने बारह चेलों को नियुक्त किए और उसके बाद उन लोग को तैयार भी किए अपने मिनिस्ट्री के लिए क्योंकि वो जानते थे कि वो कभी भी यहाँ पे आ, 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 मतलब बहुत दिनों के लिए नहीं है वो वो यहाँ पे बहुत सालों के लिए नहीं है उनका टाइम भी यहाँ पे लिमिटेड है तो इसलिए कैसे उन बारह चेलों को तैयार करना है ताकि जब यीशु मसीह अपने पिता के पास चले जाएंगे उन बारह चेले क्या करेंगे उन मिनिस्ट, उस मिनिस्ट्री को आगे लेके जाएंगे और अगर हम लोग देखते हैं, अपने जीवन में हम लोग भी जो यीशु मसीह में है हम लोग भी जो यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं हम लोग भी जो मसीह जीवन जी रहे हैं वो तभी पॉसिबल हुआ जब इन चेलों में कोई ना कोई ना आए आ, हमारे देश में आए और हम लोग उसे सुसमाचार शेयर किए अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग भी यीशु मसीह को नहीं जानते और हम लोग भी अभी भी उस अंधेरे अंधे में रह जाते तो ये ये जो वचन है इस वचन में हम लोग कुछ विषय को हम लोग देख सकते हैं पहला विषय जो हम लोग देखते हैं इस वचन में जो यीशु मसीह उन लोगों को क्या बोल रहे टू बी विथ हिम जैसे हम लोग देखे कि यीशु मसीह क्या किए बारह चिलो को नियुक्त किए तो कल हम लोग जो 5C देख रहे थे उस उस में में एक में एक विषय विषय है कॉलिंग हम लोग देखे जो कॉलिंग और इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह बारह चिलो को नियुक्त कर रहे हैं अपॉइंट कर रहे हैं जैसे हम लोग कल देख रहे थे कि दाऊद के जीवन में कैसे परमेश्वर उनको नियुक्त किया हाउ गॉड अपॉइंटेड हाउ गॉड चोज डेविड और यहाँ पे भी हम लोग देखते देख रहे हैं कि यीशु मसीह भी उन बारह चेलों को नियुक्त किए यीशु मसीह यहाँ पे कोई आ, ऐसे इंटरव्यू नहीं लिए कि जो लोग मेरे चेले बनना चाहते हो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करो उसके बाद मैं एक एक करके इंटरव्यू लूंगा यीशु मसीह ऐसा नहीं किए क्योंकि यीशु मसीह उनका एबिलिटीज को नहीं देखे यीशु मसीह उनका एक्सपीरियंस को नहीं देखे यीशु मसीह ये नहीं देखे कि क्या वो काम कर सकता है या नहीं जैसे मैं पहले दिन ही बोल रहा था कि अगर मैं कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाऊं अगर मैं कहीं पे काम करने के लिए जाऊं तो वो लोग मेरा इंटरव्यू लेंगे और इंटरव्यू लेने के बाद वो लोग देखेंगे कि क्या मैं उस काम को कर सकता हूं तभी जाके मुझे सिलेक्ट करेंगे ये मसीह ऐसा नहीं किए कि बहुत सारे लोगों में से वो इंटरव्यू लिए और उस इंटरव्यू लेने के बाद बारह चेलों को शॉर्ट लिस्ट किए ऐसा नहीं किए क्योंकि यीशु मसीह कभी भी हम लोग का एक्सपीरियंस नहीं देखता है हम लोग का एबिलिटीज नहीं देखता है वो जिनको चुनता है उनको वो तैयार करते हैं तो इसलिए अगर हम लोग देखेंगे हम लोग वचन को पढ़ेंगे लुका की किताब में पढ़ेंगे छह अध्याय में तो हम लोग उसमें देखते हैं कि यीशु मसीह बारह चेलों को नियुक्त करने से पहले क्या कर रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं अब बाद में भी जाके देख सकते ये, लुका का किताब छह का बारह में लिखा है कि येशु मसीह सारी रात प्रार्थना कर रहे है और किस विषय में प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट डे अगला दिन उनको क्या करना है उनको बारह चेलों को नियुक्त करना है और इसलिए क्या करे वो अपने पिता का इच्छा को अः खोज रहे हैं जैसे हम लोग दूसरा दिन हम लोग बात कर बात कर रहे थे कि यीशु मसीह क्या करते हैं यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता हूं मैं वही करता हूं जो पिता को देखते हुए करते हुए देखता हूं तो यहाँ पे भी यीशु मसीह क्या करे वो अपने से कुछ नहीं कर रहे पिता की इच्छा को जान रहे हैं और उसके द्वारा ही वो बारह चेलों को नियुक्त कर रहे हैं और ऐसे नियुक्त कर रहे हैं कि बारह चिलो को वो नहीं बोल रहे है कि क्या आप मेरे साथ काम करना चाहते हो मेरे साथ आना चाहते हो मेरे साथ जो जो मिनिस्ट्री है मैं जो, जो, जो मिशन मेरा जो मिशन है उस मिशन में भाग लेना चाहते हो यीशु मसीह ऐसा पूछ नहीं रहे यीशु मसीह क्या बोल रहे है? मुझे फॉलो करो मुझे फॉलो करो फॉलो, फॉलो करो फॉलो मी तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह के पास वो पावर या अधिकार के द्वारा वो अपने चेलों को नियुक्त कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वचन अभी हम लोग देखे मरकुस के किताब तीन अध्याय का चौदह और पंद्रह पद उसमें हम लोग दो विषय को देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने चेलों को तैयार किए हाउ हाउ जीजस बिल्ट हिज डिस तो उसमें एक बात है कि यीशु मसीह उन बारह चेलों को नियुक्त किए और क्या बोले उनके साथ रहने के लिए देखिए यीशु मसीह कभी भी उन लोगों को ऐसा नहीं बोले कि आप लोग सब सुबह अब हम लोग एक साथ आ जाएंगे हम लोग एक मीटिंग करेंगे हम लोग उस मीटिंग में हम लोग सुबह दस बजे से शुरू करके शाम को चार बजे तक मीटिंग करेंगे हम लोग मैं उसमें आप लोगों को टीचिंग दूंगा कि कैसे अच्छा एक डिसाइपल बनना है और आप लोगों को ट्रेनिंग मिलेगा आप लोगों को तीन साल का ट्रेनिंग मिलेगा तीन साल ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को भेजा जाएगा आप लोग जाके मिनिस्ट्री करेंगे ऐसा ऐसा वो नहीं बोले वो ऐसा नहीं बोले कि आप लोग सुबह दस बजे मेरे घर में आ जाओ हम लोग एक साथ ट्रेनिंग करेंगे उसके बाद आप लोग शाम को अपने अपने घर चले जाना फिर अगले दिन फिर से को आ जाना, वो ऐसा नहीं किए कभी ऐसा होता है कि कोई भी एक इंपॉर्टेंट विषय या इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले या कुछ इंपॉर्टेंट शुरू करने से पहले हम लोग को एक मीटिंग करने की जरूरत होता है कि हम लोग जिनको लेके काम कर रहे हैं उनके साथ मिलके बैठ के डिस्कशन करना पड़ता है यीशु मसीह भी एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विषय शुरू करने वाला था वो उन बारह चेलों को नियुक्त करने वाला था कि जो बारह चेले उनका मिनिस्ट्री को आगे लेके जाएंगे कंटिन्यू करेंगे वो ऐसा किसी को नहीं चाहते थे जो बीच में उनको छोड़ के चले जाए वो एक साल के बाद उनको छोड़े छोड़ के चले जाए या एक साल के बाद बोले कि नहीं आपके साथ मुझे काम नहीं करना है मैं किसी और काम कर, करूंगा ऐसा किसी को नहीं चाहते थे वो चाहते थे कि वो जिनको न्यूज करेंगे तीन साल तक उनको ट्रेनिंग देंगे तीन साल तक उनको तैयार करेंगे और केवल तैयारी नहीं, उनको उनको साल के बाद उनको, उन लोगों को खुद से वो काम को करना है यीशु मसीह ऐसा चाहते थे और इसलिए क्या बोले उन लोगों को एक साथ रहने के लिए बोले टू बी विथ हिम एक साथ रहने से क्या होता है वो लोग एक दूसरे के साथ रह सकता है एक दूसरे को मदद कर सकता है एक दूसरे से सीख सकता है और एक दूसरे को भी सिखा सकता है बहुत बार अगर हम लोग कोई आ, आ, क्रिकेट टीम को देखते हैं या फुटबॉल टीम को देखते हैं, उसमें ये मायने नहीं रखता है कि कौन सेंचुरी किया उसमें कौन अच्छा गेंद डाला लेकिन अल्टीमेटली यही देखा जाता है कि क्या वो टीम जीता क्या वो टीम जीत गया या हार गया तो वैसे ही ये एक टीम वर्क है तो ये इसलिए यीशु मसीह चाहते थे कि वो लोग एक साथ रहे एक दूसरे को समझे क्या एक साथ रहने से कभी एक दूसरे के खिलाफ हम लोग कुछ हम लोग के मन में कुछ सोच विचार आता है क्या हम लोग एक दूसरे को अः गलत सोचते हैं एक दूसरे के साथ कुछ झगड़ा होता है ऐसा होता है डेफिनेटली अगर हम लोग देखेंगे इवन अगर हम लोग देखेंगे कि जब एक हस्बैंड वाइफ एक साथ रहता है तो उन दोनों के बीच में भी कुछ हो सकता है कुछ मतलब आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो लोग एक साथ रहता है एक दूसरे के साथ रहने से क्या होता है कि प्यार बढ़ता है एक दूसरे का एक दूसरे को सपोर्ट कर सकता है तो वैसे ही हम लोग देख सकते हैं अपने जो डिसाइपल्स जो है थे उन डिसाइपल्स के बीच में भी कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हुआ था अगर हम लोग वचन को देखेंगे तो उसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि वो लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि कौन सबसे बड़ा है अः कौन सबसे अच्छा है कौन सबसे बड़ा है हु इज द ग्रेटेस्ट उसको लेके वो लोग थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी कर रहे थे यीशु मसीह जानते थे कि ऐसा होने वाला है ऐसा हो सकता है लेकिन फिर भी यीशु मसीह क्या किए उन लोग को एक साथ रहने के लिए बोले एक साथ जब हम लोग रहते हैं अगर हम लोग कोई ट्रेनिंग अटेंड किए हैं कोई सेशन अटेंड किए कोई सेमिनार अटेंड किए उसमें भी हम लोग देखते हैं कि बहुत बार हम लोग को क्या बोला जाता है ट्रेनिंग के बीच हम लोग को कोई ग्रुप एक्टिविटी दिया जाता है या एक साथ मिल कुछ एक्टिविटी करने के लिए दिया जाता है और यीशु मसीह का जो ट्रेनिंग था वो फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं था वो बिल्कुल इनफॉर्मल ट्रेनिंग था एक साथ मिलके जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं वो कोई एक सेमिनार हॉल में बैठे नहीं है वो कोई एक रूम में बैठे नहीं है वो एक खेत में बैठे वहां पे बैठ के बात कर रहे हैं और वहां पे बैठने का भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि टीचर सामने बैठेगा स्टूडेंट्स पीछे बैठेगा नहीं वो लोग जैसे दोस्त की जैसा वो लोग बैठे हैं और बैठ के बात कर रहे हैं ऐसे इनफॉर्मली यीशु मसीह उनके साथ थे तो जब यीशु मसीह उन लोगों को बोले एक साथ रहने के लिए उसमें हम लोग दो विषय देख सकते हैं कि यीशु मसीह सबसे पहले उन लोगों को क्या बोले उन लोगों को एक रिलेशनल डायनामिक में कनेक्ट किए एक रिलेशनल डायनामिक जिसके द्वारा वो लोग क्या करे वो एक दूसरे से कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक यूनिटी में वो लोग बढ़ रहे हैं तो उस उन लोगों के बीच में एक रिलेशनल डायनामिक था एक रिलेशनल प्रक्रिया जिसके द्वारा वो लोग सीख लो रहे थे एक दूसरे के साथ मिलके वो लोग सीख लो रहे थे और एक विषय जो था हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह उन लोग के बीच में थे यशु मसीह भी उन लोगों के बीच में थे येु मसीह ऐसा नहीं कि उन बारह चिलों को एक जगह में रहने बोले और वो अलग रहते थे ऐसा नहीं किए बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि जो स्टाफ लोग है वो अलग रहता है और जो डायरेक्टर है वो अलग रूम में रहता है ऐसा होता है लेकिन येशु मसीह का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम लोग देखते हैं वो बिल्कुल इनफॉर्मल है उसमें कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है यशु मसीह भी उन, उन लोगों के साथ ही रह रहे हैं उन लोगों के साथ ही खाना खा रहे हैं उसमें कोई फॉर्मेलिटीज कुछ नहीं है यीशु मसीह भी उनके साथ थे तो और एक डायनामिक जो हम लोग देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह उन लोग रहते थे यीशु मसीह उन के बीच में क्या कल्चर कल्चर लेके आते थे एक कल्चर एक स्पिरिचुअल कि वो लोग साथ मिलके प्रार्थना करते थे वो लोग एक साथ मिलके परमेश्वर को खोजते थे वो लोग एक साथ मिलके यीशु मसीह के जैसे वो लोग परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट होते थे तो और एक विषय हम लोग जो देखते हैं वो है स्पिरिचुअल डायनामिक तो जब जो डिसपल एक साथ जब रहते थे उसमें क्या होता था उन लोग के साथ उन लोगों के बीच एक रिलेशनल डायनामिक था जब वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे और उसके साथ साथ वो परमेश्वर के साथ भी कनेक्टेड थे यीशु मसीह खुद उन लोगों के बीच में थे और यीशु मसीह उन लोग के बीच में एक ऐसा कल्चर लेके आए जो कल्चर स्पिरिचुअल है आत्मिक है जिसके द्वारा वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं तो इसलिए यीशु मसीह उन लोग को एक साथ रहने के लिए बोले

ज्ञान को प्राप्त कर रहे थे लेकिन ऐसा भी आ, उन लोग के सामने असाइनमेंट आया अभी तुम लोग बाहर जाओ अभी तुम लोग बाहर जाके प्रचार करो अभी तुम लोग बाहर जाके जो आ, 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 जो आ, बीमार है उन लोगों को चंगाई दो दुष्ट आत्माओं को छुराओ एक असाइनमेंट और ये केवल एक सिंपल असाइनमेंट नहीं है ये थोड़ा चैलेंजिंग भी है इतने दिन वो लोग यीशु मसीह के साथ रहते थे यीशु मसीह के साथ ही हर जगह में चलते थे यीशु मसीह के साथ ही आ, काम करते थे यीशु मसीह जैसा करते थे वो लोग केवल देखते थे ऑब्जर्व करते थे लेकिन अब भी उन लोग के सामने ये अपॉर्चुनिटी आया तुम लोग भी जाके काम को करो तो और एक क्या डायनेमिक हम लोग देख सकते हैं यीशु मसीह जो उ, उन लोग के लर्निंग में लेके आए वो है एक्सपीरियंशियल अनुभव का विषय कि तुम लोग जाओ तुम लोग भी एक्सपीरियंस करो तुम लोग भी जाके अनुभव करो और ये थोड़ा चैलेंजिंग भी है ये बहुत इजी नहीं है ये थोड़ा चैलेंजिंग है ये थोड़ा डिफिकल्ट है यीशु मसीह जानते थे कि ये डिफिकल्ट है लेकिन फिर भी यीशु मसीह उन लोगों को भेजे क्या वो लोग सक्सेसफुल हुए डेफिनेटली वो लोग सक्सेसफुल हुए लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि बहुत बार ऐसा हुआ कि वो फेल किए वो फेलियर हुए तो जब वो फेल किए क्या यीशु मसीह उन लोग को छोड़ दिए कि तुम लोगों से नहीं होगा तुम लोग को नहीं आता है तुम लोग नहीं कर सकते हो क्या उन लोग को छोड़ दिया नहीं यीशु मसीह उन लोग को दोबारा चांस दिया कि फिर से करो फिर से ट्राई करो जरूर होगा हम लोग देख, हम लोग जानते हैं कि एक बार जब उन लोग के पास एक बीमार आदमी को लेकर आए थे लोग तो लोग उन, उनको चंगाई नहीं दे पाए और फिर जाके यीशु मसीह को बोले कि आप, आपके अः तो के पास हम लोग लेके गए थे लेकिन वो लोग इनको आ, चंगाई नहीं दे पाए उन लोग जीवन में भी फेलियर था लेकिन फिर भी वो लोग लो सक्सेसफुल हुए और जब हम लोग प्रेरितों का काम में देखते हैं, हम लोग उसमें भी देख सकते हैं कि कैसे उन शिष्य लोग यीशु मसीह के जैसा चंगाई दूसरों को भी दिए यीशु मसीह के जैसा आश्चर्य काम वो लोग भी किए कैसे हुआ क्योंकि वो लोग को वो ट्रेनिंग दिया गया था कि तुम लोग जाओ तुम लोग भी जाके इसको करो और अगर हम लोग ट्रेडिशनली कोई आ, आ, मीटिंग में देखते हैं कोई ट्रेनिंग में देखते हैं उन लोग को क्या होता है उसमें सब लोग आते हैं सब लोग ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं जब ट्रेनिंग खत्म हो जाता है फिर उन लोग को बोला जाता है कि जाओ अभी तुम लोग जाके करो लेकिन इन लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ चेले लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ कि जब वो लोग तीन साल कंप्लीट कर लिया तब यीशु मसीह बोल रहे कि जाओ अभी जाके प्रचार करो नहीं उसके पहले भी बहुत बार शुरू से ही यीशु मसीह उनको बाहर भेज रहे थे कि... प्रचार करने के लिए उन लोग को एक्सपीरियंस गैदर करने के लिए तो डायनामिक जो था वो पढ़ाई के साथ साथ ही हो रहा साथ -साथ हम, हम, तो हम लोग पहले देखे कि रिलेशनल डायनामिक में थे वो लोग स्पिरिचुअल डायनामिक में थे अभी एक्सपीरियंशियल डायनामिक भी है उन लोगों के बीच में और ओवरऑल क्या था overall, यीशु मसीह उन लोग को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे तुम लोग एक साथ रहो तुम लोग बाहर जाओ जाके प्रचार करो तुम लोग मेरे बात को सुनो और बहुत बार ऐसा हुआ कि यीशु मसीह शिक्षा दे रहे थे बहुत लोगों के बीच में शिक्षा दे रहे थे पांच हजार लोगों के बीच में शिक्षा दे रहे थे पर्वतों के ऊपर जाके उपदेश दे रहे थे और उस समय भी उनके चेले उनके साथ थे उन लोगों को भी शिक्षा मिल रही थी तो ओवरऑल हम लोग जो देख सकते हैं वो है एक इंस्ट्रक्शनल डायनामिक शिक्षा टीचिंग लर्निंग इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन के द्वारा सीख रहे थे इंस्ट्रक्शन के द्वारा वो स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहे थे इंस्ट्रक्शन के द्वारा वो रिलेशनली कनेक्ट हो रहे थे इंस्ट्रक्शन के द्वारा वो एक्सपीरियंशियली कनेक्ट हो रहे थे तो यहाँ पे हम लोग अभी चार विषय को देखते हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं फोर डायनामिक प्रोसेस या हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल बोलते हैं फोर डी प्रोसेस 4d प्रोसेस जैसे हम लोग कल देखिए 5c गोल आज हम लोग देख रहे हैं 4d प्रोसेस तो अल्टीमेटली हम लोग के पास जो सीखने के लिए है वो है कि हम लोग को 5c में बढ़ना है 5c गोल को अचीव करना है लेकिन कैसे करेंगे 4d के माध्यम से करेंगे मतलब 4d के द्वारा 5c को अचीव करेंगे 4d के द्वारा 5c में पहुंचेंगे तो ये हम लोग के सामने है 4 डायनामिक प्रोसेस और ये क्या है ये वो प्रोसेस है वो प्रक्रिया है जो हम लोग को अपने लक्ष्य में पहुंचने के लिए मदद करेगा अगर हम लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह में बढ़े यीशु मसीह को फोकस करके हम लोग अपने कॉलिंग में बढ़े अपने कैरेक्टर में बढ़े अपने कॉम्पिटेंसी में बढ़े अपने कम्युनिटी में आ, आ, सेवा करे ताकि वो लोग भी मसीह को जाने तो हम लोग को क्या करना होगा हम लोग को ये चार डायनामिक प्रोसेस जो है इसके द्वारा जाना पड़ेगा इसमें हम आ, आप देखें क्या है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्पिरिचुअल है आत्मिक विषय जैसे हम लोग देखते हैं देख देख रहे थे कि यीशु मसीह जब अपने डिसाइपल्स के साथ एक साथ रहते थे तो क्या उन उसमें एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट भी था वो प्रार्थना करते थे वो अपने डिसाइपल्स के साथ प्रार्थना करते थे वो कभी कभी अकेले जाके प्रार्थना करते थे उन लोगों के ऊपर क्या किए वो जब टीचिंग देते थे इंस्ट्रक्शनल के द्वारा की ताकि वो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखे परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट रखे परमेश्वर के द्वारा वो लोग आगे बढ़े तो स्पिरिचुअल एक एनवायरनमेंट था और क्या था रिलेशनल एक साथ मिलके वो लोग काम को कर रहे थे एक साथ मिलके सीख रहे थे एक साथ मिलके वो लोग एक साथ रहते थे एक साथ खाना खाते थे जब भी वो लोग जाते थे एक ही साथ जाते थे एक रिलेशनल डायनामिक था एक, एक संबंध था उन लोग के बीच में एक कनेक्शन था एक संबंध था और हम लोग क्या दे, देख रहे थे देख रहे कि एक्सपीरियंशियल अनुभव का विषय यीशु मसीह उन लोग को बाहर भेज रहे एक्सपीरियंस करने के लिए बाहर भेज रहे उन लोगों को छुटकारा देने के लिए चंगाई देने के लिए बाहर भेज रहे उन लोगों को दूसरों को आ, शिक्षा देने के लिए दूसरों को प्रचार करने के लिए उन लोगों को बाहर भेजा जा रहा है अनुभव को प्राप्त करने के लिए एक्सपीरियंस को गैदर करने के लिए और ये सारा चीज क्या हो रहा है यीशु मसीह के इंस्ट्रक्शन के द्वारा टीचिंग के द्वारा

और उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उसमें एक भी पैर अगर टूट जाए और खराब हो जाए तो क्या होगा हम लोग उसको और इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं मे हो सकता है एक पैर खराब हो गया एक पैर टूट गया बाकी तीन पैर है लेकिन फिर भी क्या होगा आधर उसको रिपेयर करना पड़ेगा नहीं तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा तो वैसे ही हम लोग का भी जो लीडरशिप जर्नी है हम लोग को भी इस चार पैर के ऊपर खड़ा होना है ये चार पैर ये चार पैर क्या है हम लोग के Uh, हम लोग के मिनिस्ट्री में हम लोग के लीडरशिप में ये चार पैर है जो हम लोग का लीडरशिप को खड़ा करेगा वो क्या है स्पिरिचुअल रिलेशनल एक्सपीरियंशियल एंड इंस्ट्रक्शनल जब हम लोग इस चार पैर के ऊपर अपना लीडरशिप को खड़ा करते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा और इसके द्वारा हम लोग हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और दूसरों को भी उनके गोल को अचीव करने के लिए हम लोग मदद कर सकते हैं और इस चार डायनामिक में क्या हो रहा है देखिए कि एक विषय है जो है कंटेंट जो क्या है जो कंटेंट जो हम लोग को टीचिंग के द्वारा लर्निंग के द्वारा हम लोग को मिल रहा है वो कहां से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं जब हम लोग वचन को पढ़ते हैं बाइबल से पढ़ते हैं या किसी के द्वारा हम लोग वचन को प्राप्त करते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग उस कॉन्टेंट को प्राप्त कर रहे हैं लेकिन उस कॉन्टेंट को अगर हम लोग सही कॉन्टेक्स में डालते हैं सही कॉन्टेक्स मतलब क्या उसमें स्पिरिचुअल है उसमें रिलेशनल है उसमें एक्सपीरियंशियल है सही कॉन्टेक्स में अगर हम लोग उसको डालते हैं तो क्या होता है उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है एक परिवर्तन आता है तो जैसे अगर अगर मैं किसी को आ, किसी के जीवन में मैं अगर बदलाव ले, लेने लेने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि उसके जीवन भी बदल जाए मुझे भी क्या करना होगा उस कंटेंट को मतलब मेरे पास जो सुसमाचार है मेरे पास जो वचन है उस वचन को क्या करना पड़ेगा सही कॉन्टेक्स में डालना पड़ेगा सही कॉन्टेक्स्ट में डालना पड़ेगा और जब हम लोग सही कॉन्टेक्स्ट में डालेंगे तभी जाके क्या होगा एक बदलाव हम लोग देख सकते हैं केवल अगर हम लोग के ऊपर ध्यान देंगे ऐसा होता है बहुत जगह में होता है कि वो लोग केवल बाइबल के ऊपर ध्यान देते वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर ध्यान देते जो विच इट सेल्फ इज पावरफुल वो बहुत ही पावरफुल है लेकिन अगर वो सही कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा तो कभी भी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा तो केवल अगर हम लोग वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और बाकी चीज को हम लोग भूल जा रहे हैं तो कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा हम लोग को सही आ, 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 सही माध्यम से आ, सही रूप से कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट को एक साथ मिलाना है ये कोई मैथ्स का फॉर्मूला जैसा नहीं है कि हम लोग इसको कितना डालेंगे इसको कितना डालेंगे तभी जाके सही ट्रांसफॉर्मेशन आएगा नहीं हम लोग हम लोग को जैसा हम लोग पवित्र हम लोग जीवन में अगुवाई कर रहा है जैसे हम लोग फील करते हैं जैसे हम लोग को लगता है वैसे ही हम लोग इसको आ, आ, मिला सकते हैं और उसके द्वारा हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं तो हम लोग जो इस आ, फोर दा, फोर डायनामिक को देखे इस फोर डायनामिक को हम लोग को आ, हम लोग को प्रैक्टिस करना है और इसमें हम लोग को आगे बढ़ना है और अगर हम लोग अपने आ, अपने जीवन में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर हम लोग को तैयार किए द प्रोसेस कैसे अगवे तैयार होते हैं कैसे परमेश्वर हम हम लोग को फॉर्म किए हम लोग को तैयार किए हम हम लोग के जीवन को हम लोग के मिनिस्ट्री को तैयार किए हम लोग भी देखेंगे कि हम लोग भी ऐसे फोर डायनामिक के द्वारा ही तैयार हुए है हम लोग भी फोर डायनामिक के द्वारा ही तैयार हुए है हो सकता है कोई आके हम लोग को सुसमाचार दिया था जिसके द्वारा हम लोग सुसमाचार प्राप्त किए एक रिलेशनल डायनामिक हो सकता है कोई आके हम लोग के लिए प्रार्थना किया था तो वो होगा स्पिरिचुअल डायनामिक हो सकता है हम लोग खुद कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे थे तो वो एक्सपीरियंसियल डायनामिक और हो सकता है कोई हम लोग के पास आके वचन को दिया था इंस्ट्रक्शनल डायनामिक तो हम लोग ये जीवन में भी अगर हम लोग देखेंगे अगर मैं आपको टाइम दूं हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं है लेकिन अगर मैं आपको टाइम दूं अगर आपको मैं पूछूं कि आप लोग कैसे तैयार हुए थे कैसे परमेश्वर आपको तैयार किए थे क्या क्या घटनाएं आपके जीवन में हुआ जिसके द्वारा आप परमेश्वर में आए और परमेश्वर में बरे आप देखेंगे कि आपका जीवन भी ऐसे फोर डायनामिक के द्वारा ही तैयार हुआ है मे बी हम लोग फोर डायनामिक जो जो विषय है वो हम लोग नहीं जानते लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे हम लोग अपने जीवन को देखेंगे हम लोग भी देखेंगे इस फोर डायनामिक के द्वारा ही हम लोग तैयार हुए हैं और इस फोर डायनामिक के द्वारा ही हम लोग लोगों को तैयार कर सकते हैं तो ऐसे ही हम लोग को इस प्रोसेस को फॉलो करना है इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग को चलना है ताकि इस प्रोसेस के द्वारा ही हम लोग अपने जीवन में जो लक्ष्य है जो फाइव सी गोल है उसमें आगे बढ़े और दूसरों को भी हम लोग तैयार करें तो मैं क्विकली यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये फोर डायनामिक्स का मतलब क्या है और मेरे सामने जो स्क्रीन में है वो एक इमरजिंग लीडर का आ, कहावत है जो एक लीडर बनना चाहता है जो एक नया लीडर है जो एक यूथ है जो आगे आने वाले दिन में जाके परमेश्वर की सेवा करना चाहता है वो ऐसे बोल रहा है अपने लीडर को क्या बोल रहा है स्पिरिचुअल में क्या बोल रहा है कनेक्टिंग विद गॉड मुझे परमेश्वर के साथ कनेक्ट करो जिसमें क्या है ट्रांसफॉर्मिंग पावर ऑफ द होली स्पिरिट पवित्र आत्मा की जो ट्रांसफॉर्मिंग पावर है तो क्या हम लोग को क्या जरूरत है अगर हम लोग किसी को तैयार कर हैं उसको परमेश्वर के सामने लेके आना परमेश्वर का जो पावर है परमेश्वर का जो जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के द्वारा उसको उसको एम्पावर करना उसके साथ प्रार्थना करना उसके लिए प्रार्थना करना और उसको परमेश्वर का जो काम उनके जीवन में हो रहा है उसको रिफ्लेक्ट करने में मदद करना तभी जाके हम लोग किसी को स्पिरिचुअली मदद कर सकते दूसरा विषय क्या है रिलेशनल संबंध का विषय तो संबंध में क्या हो रहा है कि एक लीडर जो एक इमर्जिंग लीडर है जो लीडर बनना चाहता है वो क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि कनेक्टिंग पीपल ताकि वो लोगों से जुड़े किन लोगों से जुड़े वो अपने लीडर से जुड़े अपने इंटरेस्ट से जुड़े जो उनका मेंटर है उससे जुड़े और उससे क्या होगा कि वो लीडर बोल रहा है कि मेरे साथ समय बिताए मुझे दिखाओ शो मी मुझे मुझे देखो मैं कैसे उस काम को कर रहा हूं मुझे उत्साहित करो मुझे दोस्त मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो कुछ असाइनमेंट दो उसके द्वारा क्या होगा कि मैं सीखूंगा रिलेशनशिप के द्वारा संबंध के द्वारा उसके बाद क्या है एक्सपीरियंशियल डायनामिक और एक्सपीरियंशियल डायनामिक में एक नया लीडर क्या बोल रहा है कि मुझे करने दो तभी जाके मैं सीखूंगा मुझे मेरे ऊपर भरोसा रखो और मुझे कुछ चैलेंजिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज दो जो करने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है जैसे यीशु मसीह भी अपने चेलों को बोले थे तुम लोग जाओ प्रचार करो वैसे हम लोग को भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ चैलेंजिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज दो तभी जाके मैं सीखूंगा उससे क्या होगा जीवन का जो आ, जो अनुभव है उस अनुभव के द्वारा मेरे जीवन में भी बदलाव आएगा और फाइनली क्या है फाइनली है इंस्ट्रक्शनल शिक्षा या टीचिंग और उसमें एक लीडर क्या बोल रहा है इमर्जिंग लीडर बोल रहा है कि मुझे परमेश्वर के वचन से सिखाओ उस सच्चाई से मुझे एंगेज करो मुझे केवल लेक्चर नहीं दो लेकिन उसके द्वारा जो शिक्षा जो वहां पर प्राप्त हो रहा है उस शिक्षा को मुझे सीखने में मदद करो और वो क्या होगा वो तभी होगा जब हम लोग परमेश्वर के वचन से कनेक्टेड रहेंगे उसके द्वारा हम लोग के जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और ऐसे ही हम लोग इस चार डायनामिक के द्वारा हम लोग आगे बढ़ेंगे ये प्रोसेस के द्वारा हम लोग आगे बढ़ेंगे ध्यान रखिए ये चार्ट डायनामिक कोई गोल नहीं है कोई लक्ष्य नहीं है लेकिन लक्ष्य में पहुंचने का उपाय है और अगर हम लोग इस चार्ट डायनामिक के द्वारा फोर डायनामिक्स के द्वारा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम लोग अपने जीवन में भी बदलाव लेके आ सकते हैं सो आई वॉन्ट टू थैंक यू मैं आपको आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज हम लोग के साथ जुड़ने के लिए और हम लोग के पास समय बहुत ही कम है हम लोग अभी इस सेशन को खत्म करेंगे लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ आप आ, हम लोग के साथ जुड़ने के लिए और अगर आप लोग कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ई मेल स्क्रीन में है और इसके बारे में अगर और भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो इसके बारे में और भी मैं आ, आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा सो वन टू थैंक यू वंस अगेन गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू